दोस्तों, हमारे देश में ऐसे अनेक मंदिर हैं जो अपनी अनोखी परंपरा व रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है उज्जैन में स्थित भगवान काल भैरव का मंदिर। इस मंदिर से संबंधी चमत्कारी बात यह है कि यहाँ स्थित काल भैरव की प्रतिमा मदिरा का सेवन करती है। क्यों, शौक लगा क्या? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मंदिर से जुड़े इसी रहस्य के बारे में, मंदिर से जुड़ी खास बातें। भगवान काल भैरव का मंदिर शिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। जैसा कि हमने आपको इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता बताई है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि देखते ही देखते वो पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है वो खाली हो जाता है। ये शराब कहाँ जाती है, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। यहाँ रोज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखते हैं। काल भैरव को शराब अर्पित करते समय हमारा भाव यही होना चाहिए कि हम हमारी समस्त बुराइयां भगवान को समर्पित करें और अच्छाई के मार्ग पर चलने का संकल्प करें। मदिरा भी शक्ति का ही रूप है। इस शक्ति का उपभोग नहीं किया जाना चाहिए, इसका उपभोग करने वाला व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस मंदिर से जुड़ी अनेक बातें भी प्रचलित हैं, जिनके अनुसार उज्जैन के राजा भगवान महाकाल ने ही काल भैरव को इस स्थान पर शहर की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। इसीलिए काल भैरव को शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। करीब एक दशक पहले मंदिर की इमारत को मजबूती देने के लिए बाहर की ओर निर्माण कार्य करवाया गया था। इस निर्माण के लिए मंदिर के चारों ओर करीब 12-12 फीट गहरी खुदाई की गई। इस खुदाई का उद्देश्य मंदिर की मरम्मत करना था, लेकिन ये खुदाई देखने के लिए काफी लोग यहाँ पहुँचते थे। सभी जानना चाहते थे कि जब काल भैरव शराब का सेवन करते हैं तो वो शराब कहाँ जाती है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए खुदाई कार्य के दौरान काफी लोग आए, लेकिन खुदाई में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे लोगों के इस प्रश्न का समाधान हो सके। इस मंदिर के बारे में कई ऐसी बातें भी हैं कि अनेक वैज्ञानिक इस मंदिर का रहस्य जानने के लिए आए, लेकिन वो भी इस चमत्कार के पीछे का कारण नहीं जान पाए। भगवान काल भैरव का मंदिर मुख्य शहर से कुछ दूरी पर बना है। ये स्थान भैरवगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। काल भैरव का मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है जिसके चारों ओर दीवार बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की इमारत का जीर्णोद्धार करीब 1000 साल पहले परमारकालीन राजाओं ने करवाया था। इस निर्माण कार्य में मंदिर की पुरानी सामग्रियों का ही इस्तेमाल किया गया था। मंदिर बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। ये मंदिर आज भी मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। काल भैरव मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर घुसते ही कुछ दूर चलकर बाईं ओर पाताल भैरवी का स्थान है। इसके चारों ओर दीवार है। इसके अंदर जाने का रास्ता बहुत ही गहरा है। करीब 10 से 15 सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद तलघर आता है। तलघर की दीवार पर पाताल भैरवी की प्रतिमा अंकित है। ऐसी मान्यता है कि पुराने समय में योगी जन इस तलघर में बैठकर ध्यान करते थे। काल भैरव मंदिर से कुछ दूरी पर विक्रांत भैरव का मंदिर स्थित है। ये मंदिर तांत्रिकों के लिए बहुत ही विशेष है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर की गई तांत्रिक क्रिया कभी असफल नहीं होती है। ये मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। विक्रांत भैरव के समीप ही श्मशान घाट भी है। श्मशान और नदी का किनारा होने से यहाँ दूर दूर से तांत्रिक तंत्र सिद्धियां प्राप्त करने आते हैं। इस मंदिर में भगवान काल भैरव की प्रतिमा सिंधिया पगड़ी पहने हुई दिखाई देती है। ये पगड़ी ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ओर से आती है। ये प्रथा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। इस संबंध में मान्यता है कि करीब 400 साल पहले सिंधिया घराने के राजा महादजी सिंधिया शत्रु राजाओं से बुरी तरह पराजित हो गए थे। उस समय जब वो काल भैरव मंदिर में पहुंचे तो उनकी पगड़ी यहीं गिर गई। तब महादजी सिंधिया ने अपनी पगड़ी भगवान काल भैरव को अर्पित कर दी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और लंबे समय तक कुशल शासन किया। कब से शुरू हुआ सिलसिला?
काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। ये कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वो बचपन से भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वो खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। उनके बाप दादा भी उन्हें यही बताते हैं कि ये एक तांत्रिक मंदिर था। यहाँ बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमें कमेंट सेक्शन में इस मंदिर से संबंधित अपने विचार जरूर बताएं।